उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की, जिसे सियासी गलियारों में इस बयान की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल झुंझुनू में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू आए थे। उन्होंने अपने संबोधन में मंच पर मौजूद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर के कहा कि उनकी एक पहचान है पारदर्शी और उत्तरदायी शासन देने की। नौकरी के मामले में उनकी पारदर्शिता से हरियाणा में पर्ची और सिफारिश से नौकरी के सिस्टम को विराम लगा, ये बात उनके द्वारा कही गई। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी पहचान है, आपकी एक पहचान है पारदर्शी उत्तरदायी शासन। 10 साल के मुख्यमंत्री काल में एक अमिट छाप छोड़ी, नौकरी के मामले में एक ही रास्ता था इनको कि योग्यता के आधार पर घर पर सोते हुए बच्चे को पता लगता था कि उसकी नियुक्ति हो गई है। यह बड़ा परिवर्तन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस को एग्जेम्प्लीफाई करता है। और दौसा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि सरकार 4 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देगी। भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, तो वहीं उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत का उन्होंने दावा भी किया। जेजेएम घोटाले पर बोलते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है, कई अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। अब जो काम होगा वह गुणवत्ता युक्त होगा और समय पर पूरा होगा। डोटासरा पर भी उन्होंने तंज कसा। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों से राजस्थान के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, राजस्थान के अंदर कोई रोजगार 5 साल नहीं दिया हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिस तरह से 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने का जो उद्देश्य से जो काम किया साहब ने, हमारी सरकार काम करी इसके तहत आज ये रोजगार उत्सव में लगभग अपने लगभग 25,000 लोगों को पहले सर्टिफिकेट दे चुके हैं, 8,000 लोगों को आज दे रहे हैं। आने वाले इन 4 वर्षों में जो बचे हैं 4 से 5 वर्षों में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, 100% देंगे। प्रदेश के सभी जिलों में चलाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज हो चुका है। डूंगरपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। तो उपराष्ट्रपति ने कहा है कि स्वच्छता एक सेवा है जिसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। उन्होंने आमजन से स्वच्छता को संस्कार संस्कृति से जोड़ने के आह्वान किया है। उपराष्ट्रपति ने वीसी के जरिए जो है संबोधित किया, स्वच्छता एक सेवा है ये उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया। मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने जो है स्वच्छता की शपथ दिलाई। जयपुर में झोटवाड़ा में उफनते सीवरेज के कारण बने विहार शांति कॉलोनी के लोग पिछले 10 दिन से गंदे पानी और बदबू से बेहद परेशान हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम वार्ड 28, 29 और 30 में मामले में कई बार शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां निगम टीम उपकरण लेकर आती तो है, कई बार उपकरण खराब निकलते हैं, कई बार स्टाफ छुट्टी पर चला जाता है, गंदे पानी और बदबू से लोग परेशान हो रहे हैं। जयपुर नगर निगम के ग्रेटर वार्ड नंबर 28, 29 और 30 के अंदर आलम यह है कि यहाँ बरसात के पानी की ओवरफ्लो नहीं, बल्कि यहाँ सीवरेज का जो गंदा मल मूत्र का पानी है वो सड़कों पर बह रहा है। धौलपुर जिले में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। कोतवाली थाना इलाके के कालीमाई बजरिया तिराहे पर चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के अंदर रखी नकदी समेत कीमती सामान चोरी हो गया है और चोरों ने सरिया की मदद से दुकान के ताले को तोड़ा। चोर मौके पर ही सरिया को छोड़कर के वहां से फरार हो गए। जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंची है, अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
मैं अब रात को रोज सुबह मन करता हूँ और जब को सुबह में पड़ोसी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि वहाँ की चोरी हो गई है। तब मैं घर से आया 6 बजे तो मैंने देखा कि 7500 में नगद थे कैश, वो चले गए। और एक क्रिसमस की पेटी थी मेरी, मैं कल ब्याज सुबह थी 5 किलो काजू का डिब्बा था और कुछ बिकट फिर गए 5-4 कुछ सामान जो चला गया, थोड़ा अंदाज़ नहीं कर पा रहा हूँ, अब मालूम पड़ेगा और क्या क्या गया है। और मैं चोरों के खिलाफ अभी पुलिस को कंप्लीट की, मैंने पुलिस वाले आए थे, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी जाकर उनकी रिपोर्ट कराऊंगा मैं जाके नहीं। और आज देश भर में आनंद चतुर्दशी मनाई जा रही है और इसी के साथ घरों और पंडालों में विराजमान गणपति बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। कोटा में लोग अपने परिवार के साथ बाराद्वारी पहुंच रहे हैं, जहां पर नम आंखों के साथ बताया जा रहा है कि गणपति बप्पा की मूर्ति को लोग विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं और अगले बरस जल्दी आने की मनोकामना भी उनके द्वारा की जा रही है। अनंत चतुर्दशी का महापर्व और प्रदेश भर में इस महापर्व की सबसे ज़्यादा धूम होती है एजुकेशन सिटी कोटा में। गणपति विसर्जन शुरू हो गया है और फिलहाल तस्वीरें देखिए एजुकेशन सिटी कोटा की, जो कि पूरी तरह से भक्ति के रंग में सराबोर है। लोग अपने घरों में स्थापित गणपति के विसर्जन के लिए पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं आप ये गणपति प्रतिमा, गणपति की सेवा पूजा की स्थापना से अब तक आप विसर्जित कर रहे हैं, क्या मनोकामना? मनोकामना है कि सभी देशवासी खुश रहें, गणेश जी उनका ध्यान रखें, देश में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे, बस यही कामना है। अगले बरस जल्दी आए वापस। बिल्कुल बप्पा अगली बरस जल्दी आए, इसी मनोकामना के साथ में गणपति बप्पा की जो विदाई है वो चल रही है। लोग बड़े धूमधाम के साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने अपने गजानन गणपति को लेकर के आ रहे हैं। गणपति बप्पा से प्रार्थना करके, मनोकामना करके, अगले बरस जल्दी आने की कामना करके तमाम शहर के लोग इस वक्त कोटा के बाराद्वारी पर चंबल नदी में गणपति विसर्जन कर रहे हैं और ये रंग जो है वो अपने आप में खास है। नम आंखों के साथ गणपति बप्पा को सह परिवार यहाँ पर विदाई दी जा रही है। तो धूम है अनंत चतुर्दशी के पर्व की जो कोटा में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज 18 कोटा। चले रुख जयपुर का करेंगे, जहां पर बिजली कर्मचारियों ने लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखा है। तो प्रदेश की सभी 6 बिजली कंपनियों के कर्मचारी जयपुर पहुंचे और विद्युत भवन मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। राज्य भर के तकनीकी विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इंटर डिस्कॉम तबादले की प्रमुख मांग इनकी है और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले इनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करवाने की भी मांग की जा रही, साथ ही ज्वाइनिंग की तारीख से अपग्रेडेशन का लाभ दिलाने तक की मांगे रखी गई है कर्मचारियों के द्वारा। बिजली कंपनियों के जो तकनीकी कर्मचारी हैं आज उन्होंने जयपुर कूच किया है। नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर के विद्युत भवन का, जहां पर बड़ी तादाद में पूरे राज्य भर की तमाम बिजली कंपनियों के कर्मचारी जो है कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले जो है ये धरना जो है यहां पर दिया जा रहा है। इनके अध्यक्ष हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं क्या मांगे हैं जिनको लेकर के आज पूरे प्रदेश भर के कर्मचारियों को जयपुर बुलाने की नौबत आ गई। लगभग 1 साल पहले हमने जगतपुरा में आंदोलन किया था, उस समय पर हमारे ओपीएस लागू करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन साल भर से हम निगम के उच्च अधिकारियों से लगातार निवेदन कर रहे हैं, लगातार ज्ञापनों के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन अभी तक बिजली कर्मचारियों की जो पेंशन लागू होनी थी वो सही तरीके से लागू नहीं हुई है और ना ही जीपीएफ की कटौती प्रारंभ की है। साथ ही साथ उस समय पर हमसे ये वादा किया गया था कि कर्मचारियों के एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण किए जाएंगे, लेकिन वो भी आज दिनांक तक लागू नहीं हुए हैं। और इसके साथ ही 2400 और 2800 ग्रेड पे के जो हमारे फिक्सेशन में जो वेतन में विसंगति चल रही है उसमें भी सुधार करने का उस समय पर हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इन तीनों ही मांगों के ऊपर निगम प्रशासन के द्वारा कोई भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है। मजबूर होकर के आज समस्त राजस्थान के बिजली कर्मचारियों को यहां पर उपस्थित होना पड़ा है और मैं निगम प्रबंधन से और प्रदेश की
जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो बिजली कर्मचारियों की वेदना को समझे। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर एक बहुत पुरानी मांग है, जिस मांग को लेकर के हाल ही में इनके प्रतिनिधिमंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन आज बिजली कर्मचारी सांकेतिक रूप से धरना देकर के सरकार के कार्यों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जयपुर पहुंचा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और कोटा में तिरंगे के अपमान को लेकर मानिए कोई बड़ी साजिश चल रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार तस्वीरें सामने आ रही। सोमवार तिरंगे के अपमान से जुड़ा एक और वीडियो आया। कोटा के एक और इलाके से एक और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिरंगे में अशोक चक्र की जगह इस्लामी संदेश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह वीडियो कोटा का है जो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। कल ईद मिलादुन्नबी के मौके पर यह जुलूस शहर के अलग अलग इलाकों में निकाले गए थे और इस दौरान ही तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की गई, तिरंगे का अपमान किया गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। कोटा शहर के अनंतपुरा इलाके में 12 वफात के जुलूस में राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आयोजक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 2 नाबालिगों की भी पहचान कर ली गई है और इस घटना के बाद सभी हिंदू संगठनों में जो है रोष बढ़ा है। अनंतपुरा थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन के साथ चेतावनी दी गई, जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पर अशोक चक्र के दोनों तरफ चांद तारे छापकर लहराया गया था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई को अब अंजाम दे दिया है। आरोपियों की पहचान लगातार इस पूरे मामले में की जा रही है। जोधपुर में मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया। कोटा में तिरंगे के अपमान पर मदन दिलावर ने कहा कि यहां का अन्न जल खाने वाले लोग अपमान कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगता है उनकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। ऐसे लोगों को ढूंढकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ये जो है कहा गया है जोधपुर से। ये बड़ी जानकारी जहां पर मदन दिलावर का ये बड़ा बयान, क्या कुछ उन्होंने कहा वो आप सुनिए। दुर्भाग्य है किस देश का अन्न जल खाने वाले लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं। ऐसा लगता है उनकी श्रद्धा इस देश में नहीं है। और मैंने कल ही डीजीपी से बात की थी, वहां के आईजी से बात की, कैसे सभी समाज कंटकों को ढूंढ ढूंढ करके सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही के खिलाफ करें। ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाएंगे जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मदन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप। उसकी आधारशिला रखी, रेल यात्रा को और तेज करने के लिए 8 नई रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी, जिसके लिए 4.42 करोड़ मेन डेज को रोजगार उत्पन्न होंगे। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मंजूरी दी। पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा बिहार में बिहटा और नई सिविल एनक्लेव की मंजूरी दी। आगसी और मिनी कॉय में नई हवाई पट्टी का भी और बनाने की स्वीकृति दी। बेंगलोर में मेट्रो फेज 3, पुणे मेट्रो, ठाणे और इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी। किसान के लिए हम जानते हैं कि कृषि बीमा को लेकर के उन्होंने बहुत वृहद तरीके से योजनाएं दी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लगभग डबल और कर दी उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 9.30 करोड़ का, और किसानों को जो रुपया दिया 20,000 करोड़ रुपया उन्होंने वितरित करवा दिया, जो आप किसान सम्मान निधि के रूप में आप सब जानते हैं। 12,33,00,000 किसानों को 3,00,000 करोड़ रुपये वितरित किए। 2024-25 में खरीफ फसलों के लिए ये मैंने आपसे निवेदन किया कि MSP बढ़ाई 12,100 करोड़ में। आंध्र प्रदेश में पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 14,200 करोड़ के परिव्यय के साथ 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी। इसी प्रकार से राष्ट्रीय समिति द्वारा नई राष्ट्रीय सहकारिता समिति नीति का ड्राफ्ट वो प्राप्त हो चुका है, मसूदा भी तैयार कर दिया गया है और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जैविक उत्पाद परिषद के बीच MOU का वो
अंडरस्टैंडिंग हुआ। एनसीओएल द्वारा उत्तराखंड में किसानों की जैविक उपज को लाभकारी मूल्य पर खरीदा गया, लाभ का और हिस्सा किसानों को मिले इसका भी उन्होंने सुनिश्चित किया। हमारे देश में श्री अन्न, जो आप जानते हैं कि मक्का बाजरा, इसको और विश्व स्तरीय मान्यता दिलाई, और वो हम सब जानते हैं कि इसको पहले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, उस दिशा में भी उन्होंने श्री अन्न का इतना प्रचार प्रसार कर दिया और इसके लाभ ये दुनिया को बताया, जिसके कारण से आज मल्टीग्रेन जो आटा वगैरह खरीदने का ये भी मन में लोगों के और भाव बना है, जिसके स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल वातावरण बनेगा, प्रभाव होगा। एथेनॉल का उत्पादन, ये हमारे उत्पादक इकाइयों को भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया। प्याज का निर्यात, ये कैसे बढ़े इसके लिए उन्होंने, और निर्यात शुल्क में कटौती की, पहले 40% थी उसको 20% किया। यही नहीं, कच्चे पाम और सोया सूरजमुखी तेलों का जो आयात ड्यूटी जो पहले थी उसको उन्होंने बढ़ाई, ताकि इससे हमारे यहाँ का जो रिफाइंड तेल है और उसको और किस प्रकार से और अधिक किसानों को लाभ मिल सके। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम का विस्तार किया। जम्मू कश्मीर में 3,300 करोड़ की कृषि योजनाएं, विकास परियोजनाएं शुरू की। वाराणसी में 30,000 कृषि सखियों को कृषि में और उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया। मौसम जलवायु अनुकूल भारत बनाने के लिए 2,000 करोड़ के मिशन मौसम को मंजूरी दी। इसी प्रकार से एग्री स्कोर नामक एक नया फंड लॉन्च किया, जिसे किसान क्रांति लाने में स्टार्टअप के लिए और इसके लिए भी और जाना जाता। और चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे आपको दिखाएंगे गांव शहर 100 खबर। नमस्कार, नमस्कार।